जैसा कि आप सबको पता है, SSC का रिजल्ट आ चुका है और बहुत बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और कुछ बच्चों का रिजल्ट काफ़ी मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक रहा। अब उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि काफ़ी अच्छे बच्चे थे, मतलब जिनका रिजल्ट अच्छा हो सकता था, लेकिन इस कोरोना काल के कारण उनका रिजल्ट क्या हुआ, इफ़ेक्टिव रहा और थोड़ा सा अपने आप में मतलब टायर्ड और डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे। तो बस इन सब चीज़ों को लेके, सारी बातों को लेके आज आपके बीच थोड़ा सा अपना अपना ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यही बता रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत बहुत किया, चलो मान लिया, ठीक है। आपने चार पेपर के एग्ज़ाम नहीं दिया, मान लिया, ठीक है। आपको नंबर भी मिल गए, मान लिया, लेकिन जिस सिचुएशन में आपकी कॉपी चेक हुई है या नहीं भी हुई है, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको जितने मार्क्स मिल गए आप बस ये समझो आपके लिए सफिशियंट है। हाँ, ये बात अलग है कि आप बहुत 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 ज़्यादा क्या थे, पढ़ने के लिए एग्रेसिव थे, आपके मार्क्स आने चाहिए थे, आपको लग रहा था कि नहीं मतलब जितना मिला उस कम है, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। हम ये भी समझ रहे हैं कि आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, उनको लग रहा होगा कि आपने क्या किया, कुछ उखाड़ दिया, किसी का मर्डर कर दिया और नंबर आने चाहिए थे, वगैरह वगैरह, लन फन दुनिया भर का, मतलब सारी बातें क्या हो रही होंगी, आपको सुनना पड़ रहा होगा, हाय रे तीर, मतलब क्या आपको घर पे बहुत टोन मिल रहा होगा। कोई बात नहीं बच्चों, नेग्लेक्ट करो इसको कि नंबर आपको जैसे मिले, नंबर आपको डिसाइड ये नहीं करते हैं, ठीक है, कि आपका करियर कैसा होगा, आगे आप क्या करोगे। तो अब छोटी बात है ये कि मार्क्स आपको मिले मान लो 60%, ठीक है, आगे का क्या क्या। अब बच्चे यहाँ पे देखो, दो तरह के बच्चे, एक बच्चे जिनका मार्क्स कम आया लेकिन अब वो सोच नहीं पा रहे कि साइंस रखें कि नहीं रखें, ठीक है, या कॉमर्स रखें कि नहीं रखें, या आर्ट्स रखें कि नहीं रखें। अच्छा, दूसरे बच्चे 90% आ गया, अब वो साइंस ही लेंगे, भले उनको कुछ नहीं आता हो, भले वो एग्जाम में कैसे भी करके लिखे हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों, ये मायने नहीं रखती हैं। ये फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि मार्क्स डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या ले रहे हो, क्या नहीं, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। मार्क्स सिर्फ एक छोटा सा जरिया हो गया है देखने का, अरे बच्चा का 90% आ गया, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। बच्चे को घंटा ना कुछ आता है, बच्चे को ये नहीं पता कि फ्लोटेशन क्या है, बच्चे को ये नहीं पता कि हम टायर क्यों रहे हैं, मतलब कुछ नहीं। अच्छा 40% आया, साइंस रखोगे, देखो कैसा बर्डन बनता है फैमिली में बर्डन कैसा बनता, सोचो बेटा कैसा नंबर आया, अंकल 40%, तो साइंस तो नहीं रखोगे ना, नहीं नहीं साइंस मत रखो, नहीं 40% नंबर में साइंस रखोगे, नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं। बेटा कितना परसेंट आया, 90, अरे बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, थोप रहे हैं पढ़ाई उनके ऊपर, समझे बच्चों। तो दिमाग से इन सारे टॉर्चर को निकाल दो, कारण ये, क्योंकि पेरेंट्स तो 90% में भी खुश नहीं है, आपको बता देते हैं, ठीक है। मान लो किसी का बच्चा, किसी पेरेंट्स के बच्चे अगर 60% लेके आए, धप 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 इधर कम, चल साल भर पढ़ाए, तुमको 60% नंबर आया, सोच के देखो, हाँ मार गाली से गाली बौछार, एकदम सुबह शाम टोन, खाना खाने बैठो, हाँ खाओ, केवल ठूसो, कुछ नहीं, यही करो, पैसा बर्बाद कर रहे थे, मात्र 60% आया, ठूसो और क्या, और करोगे क्या। उधर से मम्मी एक रोटी दे दो, हाँ रोटी मांगता है, काम नहीं है, रोटी मांगता, पढ़ेगा नहीं, टीवी देखे, पबजी खेलेगा और रोटी मांगता है, टोन 60% में टोन। अब आप सोच के ये देखो, क्या किसी का अगर 95% आता तो उसको सुनना नहीं पड़ता होगा, सुनना तो पड़ता है भले कम, 95% आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आ जाता तो, अच्छा थोड़ा सा और कितना आ जाता, अब इतना भी आ गया 99.9%, मान लो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुश हैं ना, अच्छा बच्चा किसी का 99.9% आ गया, 99.9, ये 1% भी तुमको मिलना चाहिए था। अरे गार्जियन के लिए पता है, अगर 500% भी हो ना तो वो भी कम लगता है, जे गार्जियन पता है 500% भी कम लगता है, ध्यान दो। तो गार्जियन क्या कह रहे हैं आपको, इन चीज़ों को नोटिस ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि उनको लगता है ना कि आप उनके बच्चे हो, आपके पीछे वो हजारों रुपया खर्चा कर रहे हैं, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, किताबें, पबजी, मोबाइल फ़ोन, ये वो, ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड का भी खर्चा उन्हीं के पैसे से दे रहे हो, मतलब खिला रहे हो, पिला रहे हो, घुमा रहे हो, घूम रहे हो, जो भी है, जिनकी नहीं है उनको हटा दो, मतलब अगर XYZ आप सारा काम कर रहे हो तो उनके पैसे से कर रहे हो, वो आपको हर फरमाइश पूरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको खराब लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है, क्या कहा है, किसी महापुरुष ने कहा है कि भैया इंटरेस्ट लाओ पढ़ाई हो जाएगी,
किसी काम को करने में अगर इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट लाओ। क्या है इंटरेस्ट? थोड़ा सोच के देखो इंटरेस्ट क्या हो, सोचवाते हैं आपको इंटरेस्ट क्या है। क्या है इंटरेस्ट? हमसे किसी ने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इंटरेस्ट लाओ मन लगेगा। कैसे लाते हैं इंटरेस्ट? आता कैसे इंटरेस्ट हमको बताओ, कैसे इंटरेस्ट, कैसे आ सकता है इंटरेस्ट? नहीं आ सकता इंटरेस्ट, कभी नहीं आ सकता इंटरेस्ट, क्यों बताएं? अच्छा, हमको हम पढ़ाई मेरे दिमाग में जा ही नहीं रही है, हमको पढ़ने का मन ही नहीं रहा। तो किसी ने कहा सर ने, अच्छा इंटरेस्ट लाओगे तब ना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लाओ पहले पढ़ने के लिए। हाँ इंटरेस्ट लाते हैं, आपको हम रेगिस्तान में बैठा दें, ठीक है, एक दिन दो दिन हम बोलते हैं इंटरेस्ट लाइए सर, आप बैठ सकते हैं दो दिन चार दिन पाँच दिन, इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। अच्छा छोड़ दो बच्चों, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, आज चिकन खाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आ गया, अरे सुन के कि चिकन खाएंगे इंटरेस्ट आ गया, ठीक है खिला दिया आपको चिकन, आपने चाड़ के खा भी लिया, ठीक ध्यान दो। अच्छा क्या हुआ, दूसरे दिन भी चिकन खिला दिया आपने, खा लिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन, दसवें दिन, लगातार आपको एक महीने अगर चिकन खिलाए तो जो इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो गया। तो ये सब फालतू बातें हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। सिंपल सा बात आपको बता दे रहे हैं भाई, पहले वाले केस में रेगिस्तान में बैठने के समय इंटरेस्ट नहीं था, घंटा ना इंटरेस्ट आया हमको लास्ट में। अच्छा चिकन खाने वाले केस में मेरा पहले से एक्साइटेड था, इंटरेस्ट था, सब कुछ था, लेकिन एक महीने के बाद इंटरेस्ट जो था वो भी चला गया। तो ये सारी बातें पता है क्या, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है, आप समझ लो एक तरह से, या डाइवर्ट करने के लिए है, या आपको समझाने के लिए है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि आपको पता है, आप बस एक ही चीज़ जानो कि जो मार्क्स है ना वो डिटरमाइन नहीं करेंगे आपका फ्यूचर। नंबर कभी भी डिटरमाइन नहीं करेगा भैया। जिस समय न्यूटन थे, आइंस्टाइन थे, क्या उस समय कोर्स नहीं था? क्या मार्क्स नहीं था? क्या स्कूल नहीं था? क्या न्यूटन स्कूल टॉपर थे? सोच के देखो, आप अपने स्कूल में पलट के देखो, मतलब पेज नहीं, आप स्कूल में झांक के देखो, ठीक है। कोई बच्चा अगर वो लास्ट बेंच पे बैठा है तो आप ये नहीं बोल सकते वो कमजोर है या आपको बीट नहीं करेगा। चार साल के बाद आप कहीं 90% का रिजल्ट लेके, डिग्री लेके घूम रहे हो, लेकिन वो बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है, भले वो फोर्स में हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, चपरासी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, और आप डिग्री ले लेके घूम रहे हो। ऐसा बहुत एग्जांपल है, बड़े बड़े होटल में, फाइव स्टार में, रेस्टोरेंट में, ठीक है, मॉल में, शॉप में, बहुत जगह पे आप देखो, उनके पास इतनी डिग्रियां हैं, टॉपर्स हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो ये आप नहीं बता सकते कि क्लास में किस कोने में बैठा हुआ बच्चा क्या कर सकता है या आप क्या कर सकते हो, ये पता नहीं है। लाख पढ़ लो आप जमाने में, आपको ये नहीं पता कि एक नाव बनाने में कितना समय लग सकता है। सोचो, सोच के देखो, नाव बनाने वाला जो लकड़ी से नाव बनाता है वो कोई डिग्री पढ़ के नहीं आया कि नाव ऐसे ही बनाया जाएगा, लेकिन आप पढ़े हो बियोन्सी में, आर्कमिडीज प्रिंसिपल में, कि इतने लोगों में इतना वॉल्यूम निकलना चाहिए, तब तो इतने में वो तैरेगा। फोर्स ऑफ बियोन्ट, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद ये है कि अगर आपने अपना 100% एफर्ट दिया था, मार्क्स अगर आपके कम भी आ गए तो फर्क नहीं पड़ता है। याद ये रखो कि मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे आपका फ्यूचर क्या है। जब आप इंटरव्यू में कहीं बैठोगे या जब किसी को समझाना होगा तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ऐसा पढ़ाई किस काम का। आज से भाई 100, 200, 300 साल पहले क्या था, डिग्रियां नहीं होती थी, काम करते थे लोग, डिग्रियां नहीं होती थी, ज्ञान था उनके पास में। संत कबीर, तुलसीदास, कालिदास, विलियम शेक्सपियर, उनके पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन उनको याद करता है जमाना। अगर आपके कम नंबर आ गए तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? बहुत बच्चे हैं, अरे मेरा कम नंबर आ गया, आज तो पापा मार ही देंगे, आज तो घर नहीं, तो पता है डिप्रेशन में आके वो घर नहीं जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ना घर जाते हैं, ना बताते हैं, वो रिजल्ट छुपाते भी। बहुत बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, हॉपलेस हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कम नंबर आ गया तो आगे का वो मतलब नहीं डिसीजन ले पाते हैं कि साइंस रखना है, कॉमर्स रखना है, आर्ट्स रखना है, क्या स्ट्रीम लेना है, मतलब कॉन्फिडेंस उनका टूट जाता है। तो बच्चों याद रखो कि मार्क्स नहीं वैल्यूएबल नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, मार्क्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, मार्क्स का सिलसिला चलता रहेगा, मार्क्स कभी मायने नहीं रखा, मार्क्स तो ये आज बना है भैया, 40 50 60 सालों में एग्जामिनेशन, ये मार्क्स आज बने हैं, इसके पहले क्या होता था, समझे बात को? तो हमारी बात को बस इतना पोलाइटली और लाइटली ले लो, ठीक है, दिमाग में कि जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, बस फर्क पड़ता है
किसी चीज़ से नहीं। और ऐसे देखा जाए तो फर्क पड़ता है हर चीज़ों से, समझ गया। उसकी गर्लफ्रेंड उड़ गई तो हमको दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड उड़ गई तो भी हमको दुख हो रहा है, भाई क्यों दुख हो रहा है? हाँ, पापा ने सुनाया तो भी दुख हो रहा है, मम्मी ने सुनाया तो भी दुख हो रहा है, नहीं सुनाया तो भी दुख हो रहा है, सुनाया तो भी दुख हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकालो, ठीक है, खुद को बैलेंस करो और आगे की ओर बढ़ो। बस सिंपल सी बात यह है कि जो हो गया सो हो गया। हाँ, आना चाहिए था, आपका नंबर बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया, फिर भी आपके नंबर कम है, ठीक है, पेरेंट्स आपको सुना रहे हैं, कोई बात नहीं, सुना रहे हैं, उनका हक है सुनाने का, आप सुनो, आपका हक है सुनने का, ठीक है। अब उसमें आप डिप्रेस्ड हो जाओ, 4 दिन खाना नहीं खाओ, पानी नहीं पियो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है, क्लियर एंड कट, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम और करो, ठीक है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप कैपेबल हो कि नहीं, आप उस लायक हो कि नहीं, ठीक है, वो आपके लायक है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में मत रखो। बस इतना रखो कि एग्ज़ाम आपका हो गया, रिजल्ट आपका निकल गया, समय ऐसे भी बहुत कम बचा है, आगे की ओर गोल करो, जस्ट अब उठो, जागो, आगे भागो। उन लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंचा दो जो काफ़ी डिप्रेस्ड होंगे या परेशान होंगे, या जिनको लग रहा है मम्मी मार देगी, पापा मार देंगे, एक लोटे बैठे हो, दो लोटे बैठे हो, तीन लोटे या चार लोटा वहाँ क्यों ना हो, भाई अपने खानदान के आप 10वें बेटे क्यों ना हो, ठीक है, सिंपल सा बात हम आपको बता दिए। तो माँ बाप ऐसे इंसान होते हैं ना जो कि खुद को मार सकते हैं पर अपने औलाद को नहीं, या अपने बेटे को या बेटी को नहीं मार सकते। तो इस गलत फिल्म गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा दिया तो लगा दिया तो लगा दिया, सिंपल से बात है। अच्छा, बाद में उनको रियलाइज होगा कि नहीं, उनकी गलती नहीं थी, ठीक है, अच्छा आपकी भी गलती नहीं थी, तो गलती किसकी थी? मेरी थी, मैंने मारा थप्पड़, हाँ जाके बगावत कर दो, आज ही पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं बच्चों, करना भी नहीं, ठीक है। तो कहने का बात क्या कि उनको जब खुद रियलाइज होगा कि नहीं उन्होंने आपको डांट दिया तो वो खुद आपको बोलेंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आप सोच के देखो कि एक गार्जियन कितना मेहनत करता है आपको पढ़ाने के लिए, वो कहाँ कहाँ से पैसे लेके आता है, ऐसे लॉकडाउन में भी स्कूल वाले पैसे मांग रहे हैं, हम तो पैसे नहीं मांग रहे हैं, फ्री फोकट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मांगना चाहिए था हमको भी, तो कहाँ से लाएंगे? उनका इनकम ऑफ सोर्स अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो बंद नहीं है, प्राइवेट डिपार्टमेंट में है तो बंद है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकी अभी तक, क्या किसी माँ बाप ने अपने बेटे से ये कहा बेटा मैं स्कूल का फीस नहीं दे सकता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दो, फोन छोड़ दो, पढ़ाई बंद कर दो, 4 महीने मैं बैठा रहा हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तुम छोड़ दो पढ़ाई, किसी ने कहा? नहीं कहा। तो इतना तो गुस्सा बनता है, सोच के देखो जरा सा, बनता है ना, बस इतना ही पोलाइटली ले लो लाइफ को, ठीक है। सिम तो आपको खुद पता है कि परसेंटेज मायने नहीं रखता। अल्फ्रेड नोबल, भाई हमने तो आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ा कि अल्फ्रेड नोबल जिसने डायनामाइट बनाया, जिनके नाम से आज दुनिया में सबसे मतलब बड़ा ऑनरेबल प्राइज नोबल प्राइज है, वो कभी टॉप किए हों स्कूल में, या आइंस्टाइन ही ले लो, या स्टीफन हॉकिंस ही ले लो, या न्यूटन ले लो, आप भाई देखो एग्जाम्पल्स आपके पास हजारों मिल जाएंगे, दुनिया में हजारों हस्तियां ऐसी हैं जो कि पता है टॉपर नहीं है। तो आप ये मत बोलना कि सर आप बोल रहे टॉपर मत बनो, तो भैया पढ़ना छोड़ दे, हम भी कुछ मेहनत किया है उन्होंने, हमने क्या कहा मेहनत किया है उन्होंने, किस फील्ड में मेहनत किया है, वो जहां है जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उन्होंने उस फील्ड में मेहनत किया है। आपको मेहनत करना है फील्ड में, मेहनत करना है कौन से फील्ड में, सबसे पहले तो ये सोचो आपको पसंद क्या है। अगर पिज्जा पसंद है तो आप पिज्जा में मेहनत करो, चाहे बनाओ चाहे खिलाओ। अगर आपको रोटी में पसंद है तो आप रोटी में मेहनत करो, चाहे बनाओ या खिलाओ। अगर पढ़ने में, सिंपल घूम के वहीं आ गए, अगर पढ़ने में तो पढ़ने में मेहनत करो, अदरवाइज स्पोर्ट में मेहनत करो, स्पोर्ट्स में। आपको भी पता है, आपके माँ बाप को भी पता है, दुनिया के हर लोग को पता है कि आज समय ऐसा आ गया जब पढ़ाई से ज्यादा खेल को प्रायोरिटी दे रहा है। खेलो इंडिया, भारत सरकार का एक प्रावधान आया था, प्रावधान बोलो या एक स्कीम बोल सकते हो, खेलो इंडिया, ऐसा नहीं आया अभी तक, हमने नहीं सुना पढ़ो इंडिया, नहीं खेलो इंडिया प्रोग्राम, आप जान रहे हो। तो सोचो एक समय ऐसा था जब पढ़ाई को बहुत ज्यादा वैल्यू था, आज एक समय ऐसा है जब खेल को बहुत ज्यादा वैल्यू है, समझ सकते हो आप जमाना कैसा चल रहा है। तो जितने लोगों के बारे में मैंने बताया, आइंस्टाइन के बारे में इन्होंने जिद पकड़ा या जो भी किया, न्यूटन के बारे में, स्टीफन हॉकिंस के बारे में, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग के बारे में, मुकेश अंबानी के बारे में, धीरूभाई अंबानी के बारे में, रतन जी टाटा के बारे में, या भाई ऐसी हजारों हस्तियां, इनमें से आप हमको 4 एग्जाम्पल भी बता दो या 4 नाम भी बता दो कि जो अपने स्कूल में टॉपर हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या 95% लेके आए हो, जिनके कारण इनका नाम बना। भाई ऐसे हजारों लोगों को उनके परसेंटेज के कारण
नाम से नहीं जाना जा रहा है, उनके काम के कारण नाम से जाना जा रहा है। तो काम यानी कि आपको काम करना होगा कहाँ, उस फील्ड में जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। पल आपके लिए रख रहे हैं, अगर आप समझा सकते हो खुद को तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा सकते हो तो फिर भैया डिप्रेशन में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो 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 भाई। तुमको तुम्हारे मम्मी पापा समझा के थक गए, तुम डिप्रेशन में हो, हम कौन है समझाने वाले, समझो रहो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार मर जाओ ना, टेंशन ले रहे हो उतना, चलो दुनिया टेंशन पे चल रही, यहाँ आदमी को खाने का टेंशन नहीं है, पीने का टेंशन नहीं है, आदमी को जीने का टेंशन है, यहाँ मरने का टेंशन है, गर्लफ्रेंड टूट गई उसका टेंशन है, कैसे पैसा है उसका टेंशन है, खाली टेंशन टेंशन भाई, दुनिया टेंशन से भरी पड़ी है। इसलिए पता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कहाँ है पता है, 100वें पोजिशन पर भी नहीं है। सोचो, सोच के देखो, इतना भारत में टेंशन भरा पड़ा है। यार भाई आज बहुत टेंशन हो गया, माल से झगड़ा, सॉरी मतलब गर्लफ्रेंड से, चलो समझ ही रहे हो आजकल तो बच्चे, ठीक है भाई बहुत टेंशन है लाइफ में, इतना टेंशन है ना भाई, 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया, भाई बहुत टेंशन है लाइफ में, टेंशन टेंशन भाई, सुबह से लेकर शाम तक सबके मुंह से पता है 1000 बार टेंशन सुनोगे, खुश कहाँ से रहोगे, लाइफ कहाँ से अच्छी रहेगी, शरीर कहाँ से अच्छा रहेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ से अच्छे, कोरोना से कैसे लड़ोगे, करोना करोना। देखो बच्चों दो एग्जाम्पल, छोटा सॉरी एक एग्जाम्पल आपके सामने पकड़ रहे हैं, मान लो सपोज ये एक फील्ड है, ध्यान देना ठीक, ये ए पर्सन था, ये बी पर्सन था, बी पर्सन है 90% लाने वाला, ध्यान देना, ए पर्सन है 60, मतलब ए पर्सन है 60% लाने वाला, बी 90% लाने वाला, इसने अपना कोई गोल डिसाइड किया, इसने अपना कोई गोल डिसाइड किया, गोल मतलब भाई इसने कुछ सोचा, साइंस रखेंगे, कॉमर्स रखेंगे, आर्ट्स रखेंगे वगैरह वगैरह, अच्छा इसने कुछ सोचा, अपना गोल डिसाइड किया, सोचो। या मान लो ये क्रिकेटर का दो प्लेयर है, सोच के देखना, 1000 एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं। अब ये अच्छा ये 90% लाया, ओ बप्पा क्या तेज बच्चा है, दिमाग में चढ़ गया, इसके कारण इसको अफेक्शन मिला और ये सेंटर में आ गया, नजर में आ गया, सोचो नजर में आ गया, सेंटर में मतलब नजर में, इसको किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि ये 60% लाने वाला बच्चा है, ये 60%, अब ये यहां आया, ये बी था और ये ए था, 60% लाने वाला बच्चा, सोच के देखो भाई, ये सेंटर में नहीं है साइड में है, इसको कोई नोटिस नहीं करेगा, इसको सब नोटिस करेगा, अगर ये कुछ अच्छा कर भी पाएगा ना तो नोटिस के कारण, क्योंकि इसको लगेगा अरे हमको वो देख रहा है, हमको वो देख रहा है, हमको अच्छा करना चाहिए, हमको वो देख रहा है, हमको अच्छा करना चाहिए, हमको वो देख रहा है, हमको, इतना टेंशन फील करेगा ये, इतना टेंशन फील करेगा कि हर तरफ से फोर्स इसके ऊपर पड़ रही है, फैमिली का, बाहर का, दोस्त का, यार का, अभी 90% लाया, अगले साल अगर घट गया तो प्रेशर, और आपको पता है प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर में दाल गलती है, टेस्टी तो नहीं बनती है, अगर टेस्टी बनती तो दाल तड़का शायद कुकर में ही बनता, मेरे ख्याल से दाल तड़का कढ़ाई में बनता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इसके अच्छा करने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, सोच के देखो, सोचो भाई 90% लाने वाले के ऊपर सब फोकस करता है, फलने पिछले साल फलना बच्चा 90% लेके आया तो अगले साल वो अच्छा करेगा और अच्छा करेगा, लेकिन कभी ऐसा देखा कि पिछले साल 90% लाने वाला अगले साल उससे ज्यादा परसेंट लेके आया हो, बहुत कम चांस है। लाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं नहीं लाते, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं आप परसेंटेज मत लगाए, लेकिन सोचो इसके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है इसके ऊपर, इसको सब लोग देख रहे हैं अच्छा करने के लिए, बहुत प्रेशर फील कर रहा है, एक गलत कदम और टेंशन, ठीक। अच्छा इस बच्चे को नोटिस करो, इस बच्चे को कोई नहीं देख रहा है, लिबरल हो सकता है, आराम से खेल सकता है, आराम से पढ़ सकता है, अपने हिसाब से लाइफ चला सकता है, ठीक है अपने हिसाब से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दो चार गाली सुन लिया तो सुन लिया, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है। अब आप बोलोगे सर इसको देख रहा है तो मजा आ रहा है, हमको भी कोई देखे, सोच के देखो हमको भी कोई देखे तो देखेगा आपको भी, अपना फील्ड बढ़ाओ, बढ़ाओ फील्ड, कैसे बढ़ाओगे, आप जिस फील्ड में हो, जो आपका गोल है उस गोल को आप बढ़ाओ, उसकी तरफ बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो 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 बढ़ो, तो लोग इसको कम और आपको ज्यादा देखेंगे, क्योंकि लोग काम को देखते हैं, याद रखो सिर्फ और सिर्फ काम को, वो काम देखते हैं, आप कब तक अच्छा पढ़ा रहे हो, आप कब तक अच्छा कर रहे हो, आप कितना अच्छा कर रहे हो, काम सिर्फ काम, आप खेल किस फील्ड में अच्छे हो, ये आपके नाम को कोई नहीं देखेगा, रोशन, राहुल, श्याम, घनश्याम, राधे श्याम वगैरह वगैरह, नाम को कोई नहीं, काम को देखते हैं लोग। तो बस क्या करना है, अपने फील्ड में आपको अपने काम की तरफ क्या करना, फोकस करना, वो काम आपका कुछ भी क्यों ना हो। तो मेरा वीडियो बनाने का कारण सिर्फ एक और एक यही था कि आपके टेंशन को थोड़ा सा क्या किया जाए,
मेंशन नॉट में कन्वर्ट किया जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। अगर अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचा दो, शेयर करो, और सिर्फ इसको मत बोलो कि सब्सक्राइब कर दो, नहीं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम।